शिबा इनू क्वाइन एक बार फिर से ट्विटर के ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर आ चुका है। 89.3 के ट्वीट्स के अंदर शिबा इनू क्वाइन को एक बार फिर से मेंशन किया जा रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करें शिबा इनू क्वाइन की सोशल एक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप मीम टोकन्स बाय सोशल एक्टिविटी के अंदर शिबा इनू क्वाइन के अंदर 43.4 मिलियन की इंगेजमेंट आई है और कंटिन्यूसली लोग जो है वो शिबा इनू क्वाइन को दोबारा से सर्च करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हम बात करें शिबा इनू क्वाइन की गुड न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल्क शेक जो कि एक डेवलपर टीम के द्वारा कनेक्टेड पर्सन है और यहाँ पे इसके द्वारा बताया जा रहा है द शिप बर्न पोर्टल इज एंटरिंग फाइनल स्टेजेस एज वेल एज इट विल हैव रिवार्ड्स अर्निंग एबिलिटीज बर्न इज इक्वल टू अर्न रिवार्ड्स साइन अप मी। अभी यहाँ पे भैया जो शिबा इनू क्वाइन का बर्निंग पोर्टल है वो यहाँ पे भैया एंटर हो चुका है फाइनल स्टेज के अंदर और बहुत ही जल्द आपको ये खबर भी देखने को मिल सकती है कि शिबा इनू क्वाइन का बर्निंग पोर्टल फाइनली लॉन्च हो चुका है, जिसकी वजह से ये एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि शिबा इनू क्वाइन की जो एक मेजर सप्लाई है वो यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आएंगे जब यहाँ पे किसी टोकन की सप्लाई डिक्रीज होती है, सो डेफिनेटली टोकन की डिमांड इंक्रीज होती है और ऐसे में पॉसिबिलिटीज आएंगे शिबा इनू क्वाइन की भी डिमांड इंक्रीज होगी और शिबा इनू क्वाइन के साथ आपको एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। उसी के साथ एक और गुड न्यूज निकल के आ रही है और यहाँ पे इसी सेम ट्विटर अकाउंट से बताया जा रहा है फ्रॉम द डेवलपर कार्ल दरिया एज ऑफ टुडे शिबीरियम एज कन्फर्म टू बी इन द अल्फा फेज एंड विल बी मूविंग इन टू द बीटा फेज सून। अब यहाँ पे भैया कार्ल दरिया जो कि शिबा इनू क्वाइन का एक डेवलपर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो शिबा इनू क्वाइन की शिबीरियम ब्लॉकचेन जो है वो अल्फा फेज के अंदर डाल दी गई है और यहाँ पे बहुत ही जल्द जो है वो बीटा फेज के अंदर शिबीरियम ब्लॉकचेन को शिफ्ट किया जाएगा। सो भी अगर आप चाहें तो शिबा इनू क्वाइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यूज शिबा इनू क्वाइन के प्राइस के अंदर अच्छा खासा पंप डाल सकती है और पॉसिबिलिटीज है कि शिबीरियम ब्लॉकचेन भी आपको बहुत ही जल्द लॉन्च होती हुई देखने को मिल सकती है। उसी के साथ यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन का बर्निंग पोर्टल भी लॉन्च होने वाला है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज है कि शिबा इनू क्वाइन की सप्लाई डिक्रीजमेंट का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि शिबा इनू क्वाइन जो है वो बिटकॉइन ऑफ अमेरिका के तमाम एटीएम्स के अंदर भी लाइव हो चुका है और ऐसे में शिबा इनू क्वाइन की जो सोशल एंगेजमेंट है वो भी इंक्रीज होती हुई जा रही है और शिबा इनू क्वाइन को वेज के द्वारा बड़ी क्वांटिटी के अंदर परचेज किया जा रहा है। ऐसे में पॉसिबिलिटीज है कि शिबा इनू क्वाइन एक बार फिर से एक नया ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकता है। डोज किलर शिबा इनू सेट फॉर ए मैसिव 50% स्पाइक। अभी आप देख सकते हैं एफएक्स चीट की एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि शिबा इनू क्वाइन की प्राइस के अंदर 50% की स्पाइक आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन जो है वो एक बार फिर से एक पावरफुल बुलिश एंट्री के अंदर जा सकता है और यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन की जो पोटेंशियल है, जो एक गेनिंग पोटेंशियल है, वो यहाँ पे भैया इंक्रीज हो रही है और ऐसे में पॉसिबिलिटीज हैं कि शिबा इनू क्वाइन एक बार फिर से आपको ग्रीन सिग्नल के अंदर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ यहाँ पे जो रिसेंट प्राइस चल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो शिबा इनू क्वाइन का 26 वाला एक बेस है, उसके बाद यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन 29 तक यहाँ पे ट्रेड के दौरान जा सकता है, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली शिबा इनू क्वाइन की और भी मजीद इंक्रीजमेंट आपको न्यूज के बाद देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो भैया मीम टीच के प्रीमियम सिग्नल चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है और यहाँ पे जो है वो सिग्नल के द्वारा आप यहाँ पे ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मीम टीच की तमाम वीडियोस आपको काफी हद तक पसंद होगी। अगर आप शिबा इनू क्वाइन के बारे में या फिर दीगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।